इसकी फोटो या उसकी आदमी जरूर कर दे। हाय 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 तो इसी क्रम में जो है अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे और तैयार रहेंगे। सबको अपना अपना क्रम पता चल गया ना? ठीक है, और शांत रहेंगे, हम शुरुआत करते रहेंगे, आगे परफॉर्मेंस चल रही है और हम आपस में बात करेंगे। केवल अपनी परफॉर्मेंस देना ही एक इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम यहाँ से सीख के भी जा रहे हैं। हमने जिस टॉपिक पे काम किया है उसके जो है अलावा भी हमको इधर भी हमको काम यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम सीख के जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट ईयर भी जो है प्रतिभा करेंगे और उसकी योजना पे काम करेंगे। थैंक यू। जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण, जिसके पात्र आपके सम्मुख कुछ इस प्रकार है। मैं हूँ धरती माता सबकी। हाय, मैं हूँ रोहन, छोटा बच्चा, देश का भविष्य। वातावरण को कितना सुंदर बनाता है। हे देवी, सही कहा तुमने, इंसानी गतिविधियाँ संतुलित है, इसलिए धरा का तापमान नियंत्रित है। हे माते, नियंत्रित तापमान के कारण जल चक्र भी संतुलित है। हे देवी, सदा वाहिनी, सदा निरा और सरिताएं भी अपनी धुन में संपूर्ण धरा को सींचती हुई प्रभावित हो रही है। हे देवी, मनुष्य में ईश्वरी प्रकृति का वास है, इसीलिए मनुष्य की गतिविधियां प्रकृति के सम्मत हैं, इसीलिए प्रकृति भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता में है। शिव ही सुंदर है। वैसे भी बहता हुआ पानी है, कूड़ा कहीं किनारे लग जाएगा। मैं हजारों साल से
बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। ओह मेरा सुंदर संसार, कितनी सुंदर नदियाँ झीलें और कुएं थे मेरे पास, लेकिन अब मेरी गोद सूख रही है। जलवायु में हो रहे अनचाहे परिवर्तन के कारण मेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। हे देवी, कौन सा आ रही है ला ये रिटर्न में भी आया, इसको चेंज करो, इसको चेंज कर दीजिए। अच्छा उसमें था ये उसमें से
अच्छी हालत में नहीं रहती है। सर भी कह रहे हैं कि जूनियर से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं सीनियर बड़े हैं, तो उन्होंने पहले जूनियर का ही दिया मुझे परिणाम। तो जो विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता थी, इसका मुख्य विषय था सतत भविष्य के लिए विद्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। Hi, Maki.